खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी ने बाबा बुड्ढा जी के जन्म दिवस दिया लख लख बधाई बाबा बुड्ढा जी का जो कि परम ब्रह्म ज्ञानी अथक सेवा से श्री हरिमंदर साहिब के पहले हजराती हुए आप जी का जन्म 22 अक्टूबर 1506 में खसरो नगर विच भाई सुखा जी ते माता गौड़ा जी के घर विच हुए। आप जी का जन्म तो बाद आप जी अपनी फैमिली के नाल रामदास पिंड विच आ गए। एक दिन गुरु नानक देव जी रामदास पिंड विच आए। आप जी गुरु नानक देव जी के दर्शन करके करन वास्ते दरबार विच पहुंचे। दरबार के समाप्ति तो बाद सारे अपने घर चले गए, पर बाबा बुड्ढा जी उठे ही बैठे रहे। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि काका तेरा नाम की है? आप जी ने कहा मेरा नाम बुढ़ा है ते बचपन तो मैनू मौत का बहुत डर सी, पर जब दर्शन करके मेरा डर दूर हो गया। गुरु नानक देव जी आप जी के गला सुन के क्या तू है तो छोटा पर गला बड़िया अंगू करता है, तेरा नाम बुढ़ा नहीं बुढ़ा होना चाहिए है। उस दिन तो बाद बाबा बुड्ढा जी कर नहीं गए ते गुरु नानक देव जी दे शरण में गए अते बाबा बुड्ढा जी का नाम नाल प्रसिद्ध होया। बाबा बुड्ढा जी ने श्री गुरु नानक देव जी की संगत विच आके गुरमुखी सीखी अते बहुत सारी बाणी ग्रहण की। गुरु नानक देव जी की आज्ञा अनुसार जो बाबा बुड्ढा जी 17 साल के होए आप जी का विआह बीबी निरवा जी ना होया। जब गुरु नानक देव ने श्री गुरु अंगद देव जी ने गुराई दी तो तिलक लगाने की सेवा बाबा बुड्ढा जी ने की। गुरु नानक देव जी के सचखंड जान पिछों जब गुरु अंगद देव जी खडूर साहब चल गए तो सारी संगत ने बाबा बुड्ढा जी ने बेनती की कि आप ही गुरु अंगद देव जी ने लभ सकते हो, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने कहा सी कि बुढ़िया मन तो ओले ना हो से। सारी संगत की बेनती सुन के बाबा बुड्ढा जी खडूर साहब पहुँच गए तो सारी संगत का गुरु अंगद देव जी नाल मिलाप करवाया। एक दिन माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव जी ने बेनती की थी तुसी सब दी इच्छावां पूरियां करदे हो, मैनू भी पुत्र दी दात बख्शो। गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी ने बाबा बुड्ढा जी की सेवा करन वास्ते कहा। माता गंगा जी बहुत धूमधाम नाल अपने सारे सेवकां नूं नाल लैके रथ विच बाबा बुड्ढा जी कोल पहुंचे। जदों बाबा जी ने कोहरे आंदे देखे तो सहज सोभा ही वचन कर दिता कि गुरु घर नूं की पजारा पै गया। माता गंगा जी बहुत उदास हो घर वापस आ गए तो गुरु अर्जन देव जी ने सब गल्लां दसियां। गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि तुसीं आप प्रशादे तैयार करके जाओ। अगले दिन माता गंगा जी ने अपने हाथी सतना वाहिगुरु जपते हुए प्रशादे तैयार करके तुर के बाबा बुड्ढा जी कोल गए। जदों बाबा बुड्ढा जी ने माता गंगा जी ने नंगे पैरी प्रशादे लेके आंदे देखा ते पज के प्रशादे फर ले। आप जी ने प्याज नूं अपने हाथ विच रख के पन्निया ते वर दिता कि जिवें असीं इह प्याज नूं पन्निया है आप जी दा पुत्तर जालमा दा सिर पन्नेगा। माता गंगा जी बहुत खुश होए ते गुरु हरगोबिंद जी का जन्म होया। सानू इह साखी ते सिक्ख्या मिलदी है कि सानू भी निवेदा ते प्यार नाल सेवा करनी चाहीदी है। गुरु नानक देव जी की संगत में बाबा बुड्ढा जी ने गुरमुखी सीखी ने बहुत सारी बाणी कंठ की थी। गुरु नानक देव जी के आज्ञा नाल आप जी का विआह बीबी मिणवा जी नाल होया। जब गुरु नानक देव जी ने गुरु गद्दी गुरु अंगद देव जी ने दी बाबा बुड्ढा जी ने तिलक लगाने की सेवा की थी। आप जी ने पांच गुरु साहबान गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी गुरु हरगोबिंद जी तिलक लगान का मान मिलया। श्री हरिमंदर साहब के सरोवर साहब की उसारी का काम भी आप जी के देख रेख में होया। आप जी एक बेड़ी नीचे बैठ के सारी सेवा करवाते ते गुरु का लंगर करते सी, जिसनों हुण भी बेड़ बाबा बुड्ढा साहेब जी का नाम ना जानिया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।